इससे पहले आपका जो एक सेशन था बाजवा साहब के साथ, मेरा ख्याल है वो बहुत अच्छा रहा, बड़ी लर्निंग हुई होगी, क्योंकि वो स्लाइड्स पर आपको मुतल्लिका डॉक्यूमेंट्स दिखा रहे थे, जैसे वो चालान की एक पर यहाँ पर स्लाइड पर मौजूद थी, और वो 173 की जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट होती है उसकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म चली आ रही है, उसको तब्दील करने की ज़रूरत है, लेकिन हम किसी तब्दीली से घबराते बहुत हैं। खैर स्लाइड्स हैं कुछ जो कि मेरा ख्याल स्लाइड्स के बगैर भी गुजारा हो जाता है। मैं तो ज़्यादातर खड़े हो के अपने क्लासरूम्स में बोल के ही बात करता हूँ, और ये आदत मुझे ज़्यादा कुछ इस तरह हुई कि जब मैं एलएलएम कर रहा था तो हमारे जो मुख्य टीचर्स थे वो उमूमन स्लाइड्स का बहुत इस्तेमाल करते थे। नई नई ये चीज़ शुरू हुई थी, अब मैं आज से कोई 15-16 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, और लेकिन एक प्रोफेसर साहब थे, एंड आई वाज डूइंग माय एलएलएम इन इंटरनेशनल कमर्शियल लॉ, एंड वन ऑफ द प्रोफेसर्स वुड नेवर यूज एनी स्लाइड्स, वुड नेवर यूज एनीथिंग व्हिच कुड हेल्प हिम यू नो instrumentally to communicate with students, and he would just start and then you know keep speaking for half an hour, and then you know he would like us to ask him questions. Company law tha, aur jitna mutasir kun unke lectures the wo kamal the. मैं समझता हूँ कि कंपनी लॉ अगर पढ़ना हो तो ऐसे ही एक टीचर से पढ़ना चाहिए। उनका नाम था प्रोफेसर हैरी रजैक, यूनिवर्सिटी ऑफ ससेक्स में उस वक्त थे, किंग्स कॉलेज में भी पढ़ा चुके थे। कहने का मकसद ये है कि ये स्लाइड्स वगैरह ठीक है, मॉडर्न टेक्निक्स हैं, बाजू का बहुत इनसे मदद भी मिलती है, लेकिन जो गुफ्तगू होती है, जो डिस्कशन होती है, जो सोक्रेटिक मेथड है टीचिंग का, सीखने का, उससे बेहतर कुछ नहीं। दिस कैन ओनली बी एन फर्दर एड टू व्हाट यू ऑलरेडी हैव बीन यूजिंग एज टीचिंग मेथडोलॉजी। सो अभी तो इस पर गुफ्तगू हो रही है कि स्लाइड्स जो हैं वो एक्चुअली डिस्ट्रैक्शन होती है, वो आपकी जो फोकस करने की जो सलाहियत है उसको मुतासर करती हैं, प्रॉब्ली कुछ लोगों का दावा है, जिसमें कि कोई साइकोलॉजिस्ट भी शामिल हैं, और उनका ख्याल है कि टीचिंग मेथडोलॉजी जो मॉडर्न है, जिसमें कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का बहुत इस्तेमाल किया जाता है, उसको रीथिंक रिविजिट करने की ज़रूरत है। एनीवे, सो अब अगर हम शुरू कर दें और थोड़ी सी सवाल जवाब कर लें आपके साथ गुफ्तगू, 45 मिनट भी अब हमारे पास नहीं होंगे गलबन। एक्चुअली मैंने अपनी एक क्लाइंट जो मेरी कल से बहुत पीछे पड़ी हुई हैं मीटिंग के लिए, उनको मैंने फिर उनका आज का वो टाइम दे दिया जो चाहती थी, और वो सिविल सर्वेंट हैं तो आई हैव टू बी बैक इन माई ऑफिस, सो वी हैव वेरी लिटिल टाइम टू शेयर आवर थाट्स, बट आई थिंक some of the key issues can be touched upon in this short time too. aap sab doston se agar main ye janna chahu ke criminal law ya criminal procedure ka constitutional law ke sath kya taluk hai, ya you keh le ke constitution of pakistan, how is the constitution of pakistan linked to criminal procedure? Is there something you know about the connection between the two? हाथ खड़ा करें बस, 1, 2, 3, ओके, 4, 5, ओके, लेट मी स्टार्ट विद वुमन लॉयर तहरीन। Hello.
structure, which is right to justice and right to fair representation, which is one of the fundamental rights enshrined in the Constitution, though I think Okay, so you are saying, what you are saying is that fundamental rights are connected to criminal procedure, okay, and fair trial in particular is something. Right to representation and all of that. Okay, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, okay. अच्छा, अब आपका हाथ सबसे पहले आप, आपका नाम? शकीब अली. शकीब जी, बताइएगा. ठीक है, डिग्निटी और टॉर्चर से आज़ादी, और इसी तरह ये क्रिमिनल प्रोसीजर में भी टॉर्चर पर पाबंदी है. ठीक है, और आप कुछ इजाफा करना चाहेंगे? यस सर, मोहम्मद सलीम. सर, कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे राइट एंड ड्यूटीज बोल दिए गए हैं, उसके बाद जो वायलेशन होती है फिर उसके सॉल्यूशन या वहाँ पे उसको हल करना या उसको अचीव करने के लिए हम सीआरपीसी जो एक प्रोसीजर है. ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दोज राइट्स इज सॉट थ्रू द क्रिमिनल प्रोसीजर. ठीक है, सो सोशल कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, आप शायद कुछ कहना चाहते थे. आपका नाम? अदील साहब. जी सर, मैं ये कह रहा हूँ फंडामेंटल राइट्स है, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए एक प्रोसीजर, एक क्रिमिनल लॉ, सब्सटेंटिव लॉ वो चाहिए होगा, वो हमें क्रिमिनल लॉ देता है. बिल्कुल ठीक है. सो ये सवाल पूछने का मकसद ये था कि ये बात इस्टेब्लिश कर ली जाए शुरू में ही कि कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क जो आपका है, जो फंडामेंटल राइट्स का है, और उसमें जो बराह रास्त जो क्रिमिनल लॉ से मुतल्लिका है, उस फ्रेमवर्क से बाहर आपका क्रिमिनल प्रोसीजर और क्रिमिनल लॉ नहीं जा सकता. सो फॉर इंस्टेंस देर आर एज तहरीम एंड शकीब एंड अदर फ्रेंड्स अदील दे हैव पॉइंटेड आउट दैट देर हैज़ टू बी यू नो प्रोसीजरल safeguards as to the fair trial requirements as guaranteed in the Constitution of Pakistan under Article 10A. Article 10A 18th Constitutional Amendment ke zariye mutarif karwaya gaya tha. So there is Article 4 as you can see on the slide okay. Requires the state to deal with all the citizens, every person in accordance with law. So everyone is entitled to equal protection of law, or equality clause jo article 25 hai wo bhi apply hoti hai. So koi aisa criminal law ya criminal procedural law nahi ho sakta jo ke aapki kisi bhi constitutional safeguard ko se inharaf kare. Okay, so it's taking some time. Acha ye bataiye ke क्या किसी की जान और उसकी आज़ादी से मुतालिक भी आइन में कोई तहफ़ दिया गया है? जस्ट अ मिनट, रेज योर हैंड फर्स्ट प्लीज़. आर्टिकल 403 नॉट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल कौन सा है? नहीं, कोई मसला नहीं है. 403 आप कह रहे हैं क्रिमिनल प्रोसीजर का शायद, डबल जेपर्डी का. यस, दैट टू. सो नो वन कैन बी पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस ट्वाइस. ठीक है, ये एक बड़ी अहम प्रिंसिपल है. बिल्कुल ठीक है, वो रेमेडी है. आर्टिकल 199 इज प्रोवाइड्स वन ऑफ द रेमेडीज फॉर इलीगल कन्फाइनमेंट. राइट, ओके, आप कुछ कहना चाहते? राइट टू लाइफ, एग्जैक्टली. सो माय क्वेश्चन वाज रिलेटिंग टू आर्टिकल 9 व्हिच गारंटीज द राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी. सो नो वन कैन बी डिप्राइव्ड ऑफ द राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी सेव इन अकॉर्डेंस विद लॉ. अगर आपकी आप
किसी भी शख्स की इस मुल्क में जो मौजूद हो गिरफ्तारी मतलूब हो तो वो कानून के तहत ही गिरफ्तारी हो सकती है। कानून से हटकर, और कानून कौन सा है? आपका कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है। इसमें गिरफ्तार करने का जो तरीका दिया गया है और मुख्तलिफ जराइम के तहत किस तरह गिरफ्तारी होगी उसके उस तरीके के मुताबिक ही गिरफ्तारी हो सकती है। एंड दैट प्रोसीजर हैज़ टू कन्फॉर्म टू द गारंटीज प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। और वो कौन सी गारंटीज हैं मजीद? एनीवन? आर्टिकल 10, नो पर्सन हु इज अरेस्टेड शैल बी डिटेन्ड इन कस्टडी विदाउट बीइंग इन्फॉर्म्ड एज सून एज मे बी ऑफ द ग्राउंड्स फॉर सच अरेस्ट, नोर शैल ही बी डिनाइड द राइट टू कंसल्ट एंड बी डिफेंडेड बाय अ लीगल प्रैक्टिशनर ऑफ हिज चॉइस। नाउ दिस इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। इंटरनेशनल लॉ में भी अगर आप इंटरनेशनल कवर्नेंट ऑन सिविल एंड पोलिटिकल राइट्स पढ़ें या और कुछ बैनुल अक्वामी मुआहदे जो पाकिस्तान ने जिनकी तौसीक की हुई है, यूनाइटेड नेशंस चार्टर है आपका, यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स डिक्लेरेशन है, ये वो प्रोटेक्शंस हैं जो वहाँ पर भी मौजूद हैं और जो इस कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में भी मौजूद हैं किसी न किसी शक्ल में। तहरीन ने पहले जिक्र भी किया कि रिप्रेजेंटेशन जो है काउंसिल की जानिब से वो भी एक फंडामेंटल राइट है। अच्छा, एक और कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड है कि नो लॉ शैल ऑथोराइज द पनिशमेंट ऑफ अ पर्सन फॉर एन एक्ट और एन ओमिशन दैट वाज नॉट पनिशेबल बाय लॉ एट द टाइम ऑफ द एक्ट और द ओमिशन। यानी कोई अगर ऑफेंस कमिट हुआ है लेट से 2010 में, जो आज ऑफेंस है 2010 में वो ऑफेंस नहीं था, तो आप आज उस शख्स के खिलाफ उस अमल के लिए उसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं कर सकते अंडर क्रिमिनल लॉ। ये भी एक बहुत अहम वो है। अच्छा, अब ये इन सब कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स को जानने की ज़रूरत क्यों किसी क्रिमिनल लॉयर को होती है? उमूमन हमारे यहाँ क्रिमिनल लॉ प्रैक्टिशनर्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को पढ़ते नहीं हैं, बड़ी बदकिस्मती है। लेकिन अगर जब आप आगे इस अगली स्टेजेस पर जाएंगे कानून को सीखने की, तो आप देखेंगे कि बहुत सी जजमेंट्स में इन्हीं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की बेसिस पर कुछ कवानीन को चैलेंज किया गया था, उसमें पार्शल या टोटल कंप्लीट रिलीफ मिला था। बाज़ कवानीन में सुप्रीम कोर्ट ने या हाई कोर्ट ने उनको आइन से मुतसादम डिक्लेयर करके उनको स्ट्राइक डाउन कर दिया, या ये कहा कि चूँकि लेजिस्लेशन की प्रोटेक्शन कोर्ट्स के लिए सबसे मुकदम होती है तो तरामीम जो हैं उनकी सिफारिशात करती कि हुकूमत वक्त या पार्लियामेंट जो है इन तरामीम को कंसिडर कर ले। और ऐसा हुआ भी कि जैसे एंटी टेररिज्म एक्ट है विच इज़ वन ऑफ द मेजर स्टैट्यूट्स ऑफ क्रिमिनल लॉ इन पाकिस्तान, वो चैलेंज हुआ महरम अली केस में 1998 में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी आई, वो रिपोर्टेड जजमेंट है, उसकी साइटेशन मैं आपको दे सकता हूँ। और उसमें अदालत ने बहुत सी अहम जो नुकात जो उठाए गए थे, जो चैलेंज किया गया था उस ओरिजिनल 1997 का जो एक्ट था उसको, उसके मुतालिक बहुत सी तरामीम की सजेशन दी थी, और उसको फिर उसके नतीजे में 1999 में ऑर्डिनेंस के ज़रिए तरामीम भी की गई और उसके बाद भी कुछ तरामीम हुई। उसमें बहुत सी चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं लेकिन हम उस तफसील में इस वक्त नहीं जा सकते। इसी तरह नैब ऑर्डिनेंस जो है इसको भी चैलेंज किया गया वली असफंद यार वली केस में, और उसमें भी जो जजमेंट आई वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो मेरा ख्याल है कि इसमें अगर कोई सवाल होगा तो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, या अभी अगर कोई ये सवाल करना चाहें तो मे बी दिस इज़
जी जी मैं उसी तरफ आ रहा हूँ एक्चुअली. अच्छा, आज हमने बहुत मुख्तसर अंदाज में ये देखना है कि ट्रायल कैसे होते हैं, और इसके लिए ये कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर जो है इसमें बहुत सी जहतें हैं. बहुत ट्रायल, मुख्तलिफ किस्म के जो ट्रायल हैं उसमें क्या क्या स्टेप्स लेने होते हैं अदालत को, अदालत तक केस पहुंचने से पहले पुलिस और प्रोसिक्यूशन को क्या चीज़ें देखनी होती हैं, एविडेंस कैसे रिकॉर्ड करना होता है, विटनेसेस वगैरह सब चीज़ें, और एडमिसिबिलिटी और वो सारे इश्यूज होते हैं. अच्छा, अब तीन क्रिमिनल लिटिगेशन जो प्रोसेस है उसकी तीन स्टेजेस हैं, और ये 1994 का एक केस है, इम्तियाज़ अहमद वर्सेस द स्टेट. उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये डिटरमिन किया था वाइल रिलाइंग एंड कोटिंग एन इंग्लिश जजमेंट. उसकी दोनों की साइटेशन आपको मिल सकती है, और इस मौके पर मैं आपको अगर मुतारफ करवा दूं, एक किताब है दी लॉ ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, रिटन बाय वन ऑफ द बेस्ट नोन टीचर्स एंड रिसर्चर्स एंड राइटर्स ऑन लॉ, एंड आल्सो ए फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस फजल करीम साहब. ये बहुत ही यूज़फुल बुक है. अगर आपने क्रिमिनल लॉ प्रैक्टिस करना हो या ना भी करना हो, तो तब भी आपके पास ये किताब ज़रूर होनी चाहिए. इसके साथ उन्होंने एक और किताब भी लिखी हुई है, एक्सेस टू जस्टिस इन पाकिस्तान. वो भी बहुत रेलेवेंट बुक है. अगर ये आपको नहीं मिलती ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी, तो मेरा ख्याल है कि वो एक अच्छा मुतबादल है. उसमें सिविल प्रोसीजर को भी कवर किया गया है. सो उस जजमेंट में इम्तियाज़ अहमद वर्सेस स्टेट ऑफ पाकिस्तान, ये कहा गया कि तीन जो क्रिमिनल लिटिगेशन प्रोसेस है उसके तीन स्टेजेस हैं. एक तो स्टेज है एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेज, जिसमें कि आज सुबह भी आप देख रहे थे कि एफआईआर दर्ज होती है. एफआईआर दर्ज होने के बाद मखसूस केसेस में, कॉग्निजिबल ऑफेंसेस में इन्वेस्टिगेशन होती है, और फिर उसके बाद इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जो है 173 की, वो सबमिट की जाती है. और बेसिकली ज़ाहिर है कि नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंसेस भी हैं, कुछ और ऑफेंसेस भी हैं, ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट, उसके लिए सेक्शन 196 जो है वो भी हरकत में आता है, इन्वोक होता है वगैरह वगैरह. सो ये एडमिनिस्ट्रेट, इसको यानी एफआईआर के दर्ज होने से ले के तो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने तक, और फिर उसको सबमिट करना प्रोसिक्यूशन की जानिब से उसकी एग्जामिनेशन के लिए, और उसके बाद उसकी सबमिशन बिफोर द कोर्ट फॉर इट्स एग्जामिनेशन, ये सब एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेज के मुख्तलिफ हिस्से हैं. उसके बाद जुडिशियल स्टेज आ जाती है. जुडिशियल स्टेज में जब कोर्ट ये फैसला कर लेती है कि ये जो इन्वेस्टिगेशन हुई है ये रिलायबल इन्वेस्टिगेशन है, इसके नतीजे में प्रोसिक्यूशन होनी चाहिए, और वो ये फैसला नहीं करते कि इस केस को यहीं पर इस स्टेज पर ड्रॉप कर देना चाहिए और ये हमारी कोर्ट्स के पास ये इख्तियार मौजूद है, तो फिर उसकी प्रोसिक्यूशन होती है. और इस पर हम कुछ बात करेंगे. बेसिकली आज हमारा इसेंशली इस स्टेज पर गुफ्तगू करने का इरादा है. उसके बाद एग्जीक्यूशन की स्टेज है, यानी इम्प्लीमेंटेशन जो होगी, जो जजमेंट पास होगी एज एट द कंक्लूजन ऑफ द प्रोसिक्यूशन एट द ट्रायल, जो जजमेंट दी जाएगी उसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी, वो अगली स्टेज है. सो ये इम्पॉर्टेंट बात है कि आपकी सुप्रीम कोर्ट ने ये तीन स्टेजेस डिटरमिन की हैं. अच्छा, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स जो हैं, एक तो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है, लेकिन इसके अलावा और कवानीन भी हैं जो प्रोसीजर को इन्फ्लुएंस करते हैं, या वो बराह रास्त बताते हैं कि यहाँ पर ये प्रोसीजर होगा. कुछ स्पेशल लॉज हैं, सच एज आई जस्ट मेंशन द एंटी टेररिज्म एक्ट ऑफ 1997 एज अमेंडेड टू डेट, जो इंसदाद दहशत गर्दी एक्ट 1997, जिसे उर्दू में आप कह सकते हैं, वो है कानून शहादत है, जो बेसिकली जो आपका लॉ ऑफ एविडेंस है इस मुल्क का, वो उसमें समाया हुआ है. लेकिन उसमें कुछ प्रोसीजरल डायमेंशंस भी हैं, और इसी तरह कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में
कुछ एविडेंस से मुतालिक बड़ी इम्पॉर्टेंट हदायत मौजूद हैं कि क्या वो तरीक़ाकार इख्तियार किया जाए। पाकिस्तान पीनल कोड है, पाकिस्तान पीनल कोड का इन्फ्लुएंस इसलिए है कि जो अगर सेक्शन 53 आप देखें पाकिस्तान पीनल कोड को, एंड एक्चुअली मेरा जो मेन सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन है जो टीचिंग की वो पाकिस्तान पीनल कोड या सब्सटेंटिव क्रिमिनल लॉ है, तो सेक्शन 53 में वो सज़ाएं बताई हुई हैं जो हमारे पाकिस्तान में फौजदारी अदालतें दे सकती हैं। हमारी जो अदालतों की जो तख़सीस की गई है, जो उनको मुख्तलिफ कैटेगरीज में बांटा गया है, और अगर आप कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का सेक्शन 28 निकालें और उससे आगे पढ़ना शुरू कर दें, तो मैजिस्ट्रियल कोर्ट्स और सेशन कोर्ट्स और इनकी जो सारी पावर्स हैं, किस किस्म के मुकदमात वो निमटा सकती हैं, सुन सकती हैं, फैसले कर सकती हैं, वो सारी तफसील दी गई है। अब सेक्शन 53 का पीपीसी का बड़ा ताल्लुक है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर से, इसलिए सब ये कवानीन जो आपको मैं बता रहा था, जी हाँ बिल्कुल, पनिशमेंट्स हैं इसमें, उनकी टाइप्स उनकी बताई गई हैं वगैरह वगैरह। अच्छा अगर हम वापस स्लाइड पर चले जाएं, ओके, बट देन देर आर स्पेशल लॉज, एज आई सेड एंटी टेररिज्म एक्ट है, उसकी कुछ प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स मुख्तलिफ हैं, कुछ उसमें हार्श किस्म की प्रोविजंस भी मौजूद हैं। अच्छा जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट है जो कि बच्चों के लिए एक अलहदा तरीक़ाकार बताता है ट्रायल के लिए, और वो हम आज उस पर कोई फोकस नहीं कर रहे, लेकिन आपको पता होना चाहिए। सिमिलरली देर इज़ द प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट ऑफ 2016 विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द करंट सिनेरियो, बिकॉज टुडे वी आर यूजिंग अ लॉट ऑफ टेक्नोलॉजी। आप कंप्यूटर देख रहे हैं हमारे सामने, इस कंप्यूटर का अगर अब्यूज़ हो, मिसयूज़ हो, तो ये एक आर्टिकल ऑफ एविडेंस बन सकता है अंडर द प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट। सो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इसी तरह करप्शन से मुतल्लिक कवानीन हैं जो कि आप स्लाइड पर देख सकते हैं। एक नया कानून है जिसकी समझबूझ बहुत कम है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने सिविल लॉ भी प्रैक्टिस करना है, टैक्स लॉ प्रैक्टिस करना है, ख़ासतौर पर कभी आपको ये मौका मिले, या कॉर्पोरेट लॉ प्रैक्टिस करना है, तो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट ऑफ 2010 एज इट हैज़ बीन अमेंडेड टू डेट, इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉ। इट प्रोवाइड्स बोथ द सब्सटेंटिव क्रिमिनल प्रोविजंस एज वेल एज द प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स। बहुत मुख्तलिफ है, इसलिए इसको पढ़ना, गौर से पढ़ना बहुत अहम है। फिर एंटी रेप इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल एक्ट है जो कि क्रिमिनल प्रोसीजर को सप्लीमेंट करता है, इट इज़ अ वेरी न्यू लॉ अगेन। फिर पुलिस ऑर्डर है, उसके अंदर कुछ प्रोविजंस ऐसी हैं जो इन्वेस्टिगेशन और ऑपरेशंस पुलिस के जो हैं उससे मुतालिक है। तो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर स्टार्ट्स यू नो फंडामेंटली विद द प्रोसीजर फॉर इन्वेस्टिगेशन, और उसका इससे दी पुलिस ऑर्डर उससे बहुत ताल्लुक है कि वो इन्वेस्टिगेशन हो सकती है, एक मर्तबा से ज़्यादा मर्तबा हो सकती है, अदालत से ऑर्डर लिया जा सकता है वगैरह वगैरह, और ये उस वक्त तक भी इन्वेस्टिगेशन हो सकती है जब तक कि फ़ाइनल इन्वेस्टिगेशन नहीं कर ली जाती और तफसीलात। फिर पाकिस्तान आर्मी एक्ट है, अगेन आपके कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में ये बताया गया है कि जिन सिविलियंस के ख़िलाफ़ आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई हो सकती है और कोर्ट मार्शल हो सकता है, उनको किस तरह से उनके केसेस को ट्रांसफ़र किया जाए। सो दे दीज लॉज आर इम्पॉर्टेंट, यू शुड हैव द बेसिक नॉलेज ऑफ ऑल दीज लॉज, इवन इफ़ यू आर नॉट कंसर्न्ड विद प्रैक्टिस इन एज अ कोर्ट मार्शल एक्सपर्ट, you should know what happens when someone is alleged to have committed an offense under the Pakistan Army Act of 1952. maine recently do cases kiye hain, wo appeal ki stage par hain, aur wo ek bahut hi mukhtalif qisam ka procedure hai. Pakistan Army Act ko padhne ka kabhi mauka mila to zarur padhiye. acha ab so क्रिमिनल प्रोसीजर आपको जो है वो मेन इंस्ट्रूमेंट है आपकी क्रिमिनल लॉ प्रैक्टिस का,
और इसमें आपको वो क्रिमिनल ट्रायल से मुतल्लिक सारी स्टेजेस का बड़ी तफसील से इहाता करके बताया गया है कि क्या क्या मोड्स अपनाने हैं, किस तरीके से आपने ट्रायल को कंडक्ट करना है। ओके, आपने इन्वेस्टिगेशन तक मामलात को एक ओवरव्यू देख लिया है, आपको ये समझ में आ गई कि इन्वेस्टिगेशन कैसे होती है। अगर मैं ये पूछूं कि इन्वेस्टिगेशन जब पुलिस कंप्लीट कर लेती है तो एक तो ये कि पुलिस को इन्वेस्टिगेशन कितने अरसे में कंप्लीट करनी होती है, कोई इसका जवाब दे सकता है? जस्ट रेज योर हैंड्स, आप बताइए। 14 डेज। अगर 14 डेज में कंप्लीट ना हो तो 3 डेज नॉट नेसेसरीली, इट कैन बी मोर देन दैट। सो वो रिक्वेस्ट करती है पुलिस कि आप एक्सटेंड कर दें, और एक्सटेंडेड पीरियड में वो फिर उनको मुकम्मल करके इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट सबमिट करनी होती है। इन्वेस्टिगेशन के बाद जो रिपोर्ट अदालत के पास पेश होती है उसमें क्या क्या मुख्तलिफ सिनारियो हो सकते हैं, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के रिजल्ट्स क्या क्या हो सकते हैं, आपको इसका पता है? कोई बताना चाहेंगे आप? ठीक है, ओके, थैंक यू। यू वांट टू ऐड टू इट, कुछ इजाफा करना चाहेंगे? अच्छा, तो उसमें चालान आएगा अगर इन्वेस्टिगेशन तो कोर्ट के पास, हाँ जी, या अगर उसमें अगर इन्वेस्टिगेशन में लगा ऑफेंस नहीं हुआ तो कैंसिलेशन रिपोर्ट आ जाएगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तीनों जो एनओसी के तहत, ठीक है। डिस्चार्ज का क्या मतलब है? मतलब अगर ऑफेंस लगा है अभी ये ऑफेंस सिविल नेचर का था या इसमें जो है ना ये बंदे इन्वॉल्व नहीं पाए तो इन्वॉल्व नहीं पाएगा, डिस्चार्ज ये मतलब यानी उसको बरी जिम्मा करार दे देते हैं इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, ठीक है। अब जब रिपोर्ट सबमिट हो गई अदालत के पास है तो अदालत ये समझती है कि ये मुकदमा चलना चाहिए, प्रोसिक्यूशन होना चाहिए, तो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप व्हिच द कोर्ट इज लाइकली टू टेक? उनको समन किया जाएगा या बुलाया जाएगा? समन किया जाएगा 204, 205। यस, सो मुलजिम को समन किया जाएगा और उसको उस तमाम दस्तावेजात जो उस इन्वेस्टिगेशन के नतीजे में अदालत के सामने रखी गई, जो तमाम एविडेंस अदालत के सामने रखा गया, उस एविडेंस को की कॉपीज़ को उस मुलजिम को जिसको समन किया गया है वो मुहैया की जाएगी। और इसके लिए आपको सेक्शन 265 CRPC जो है और उसकी जो जैली जो शिकें हैं वो अगर आप पढ़ें तो वो एक कंप्लीट आपको तरीकाकार बताती हैं। लेकिन ये जो तरीकाकार हमारे पास है ये कई दहाइयों पुराना है, 70s में अपडेट हुआ था। अब उसमें मिसाल के तौर पर कॉपीज ऑफ द स्टेटमेंट्स ऑफ विटनेसेस वो मुहैया करने की बात की गई है। लेकिन अभी मैं जो बात कर रहा था कि हमारे पास नए नए कवानीन आ चुके हैं, कंप्यूटर से मुतल्लिक जो साइबर क्राइम लॉ है वो आ चुका है, और आपके क्रिमिनल प्रोसीजर में ये नहीं लिखा हुआ कि अगर कोई एविडेंस डिजिटल एविडेंस है तो उसकी कॉपी भी दी जाए, तो फिर सवाल उठता है कि अदालत क्या करेगी? क्या अदालत उसको उस डिजिटल एविडेंस की
It can be a photograph, it can be some other data, some information in the form of digital, electronic, some electronic form. तो फिर अदालत के पास जब ये मुकदमात शुरू हुए कुछ अरसा पहले, तो हाई कोर्ट ने कहा कि भाई ये कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट्स का मतलब इतना नैरो नहीं है कि सिर्फ उन डॉक्यूमेंट्स का जो कि उस वक्त डॉक्यूमेंट्स होते थे 1970 या 60 की दिहाई में, जो बयानात होते थे, जो स्टेटमेंट्स थी 161 की, सिर्फ वो नहीं बल्कि वो तमाम डॉक्यूमेंट्स, वो तमाम आर्टिकल्स जो आज के दौर में अवेलेबल हो सकते हैं और वो इन्वेस्टिगेशन के दौरान उनको इकट्ठा किया जाता है, वो सब आपने मुहैया करना है मुलजिम को. सो एक बड़ी अहम चीज़ है, बड़ी अहम स्टेज है ये कि मुलजिम को ये बताया जाए कि उसके खिलाफ इल्ज़ाम क्या है और उस इल्ज़ाम के सपोर्ट में पुलिस ने किस किस्म के शवाहद इकट्ठे किए हैं. सो एक जुडिशियल प्रोसीडिंग हो रही है, ये आपकी जुडिशियल स्टेज है प्रोसिक्यूशन की. उसमें वेरी इनिशियल स्टेज इज द स्टेज व्हेन यू स्टार्ट मेकिंग सर्टन, द कोर्ट स्टार्ट्स मेकिंग श्योर दैट द राइट टू फेयर ट्रायल इज नॉट वायलेटेड. सो दिस इज हाउ योर प्रोसीजरल लॉ इज कनेक्टेड टू योर कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स. मैंने पहले इसीलिए आर्टिकल 10 ए का जिक्र किया और ये सवाल किया कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो बहुत अहम हैं. अब मिसाल के तौर पर ये आज भी होता है, मेरे अभी केसेस हैं ऐसे जिसमें कि मुलजिम के पास इफेक्टिव काउंसिल नहीं था, उसके पास फीस देने के लिए पैसे नहीं थे, स्टेट ने एक लेट स्टेज पर वकील नामजद कर दिया और उस स्टेज तक उस मुलजिम को कोई दस्तावेजात नहीं मिले थे, कोई उसके खिलाफ जो इल्ज़ाम था उसके लिए उसकी सपोर्ट में जो एविडेंस इकट्ठा किया गया उससे शेयर नहीं किया गया, चार्ज फ्रेम कर दिया गया. और उसके बाद फिर कई हेयरिंग्स में जब वकील नहीं कोई उसका आया तो स्टेट काउंसिल अपॉइंट किया गया हु वॉज नॉट वेरी कॉम्पिटेंट एंड डिड नॉट रेज दिस ऑब्जेक्शन. आपको अगर ऐसा कोई केस मिले तो आपने ऑब्जेक्शन रेज करना है, आपने बताना है अदालत को कि उन्होंने कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के आर्टिकल 10 ए की वायलेशन की है. इस पर लंबी गुफ्तगू हो सकती है लेकिन फिलहाल इतनी ही. अच्छा, ये जो इशू ऑफ प्रोसेस वाला जो एक स्टेज है, इससे पहले जो समन्स करते हैं, समन्स के अलावा समन्स किन केसेस में करते हैं? ठीक है, शेड्यूल टू आपके कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का बहुत अहम हिस्सा है और उसके मेरा ख्याल है कॉलम नंबर 3 में ये बताया गया है कि कौन से ऑफेंसेस ऐसे हैं जिसमें कि समन्स जारी किए जाएंगे और कौन से ऑफेंसेस ऐसे हैं जिसमें वारंट्स जारी किए जाएंगे. समन्स जारी किए जाते हैं नामजद मुलजमान को या विटनेसेस को. वारंट्स जारी किए जाते हैं मुतल्लिका थानेदार को, पुलिस ऑफिसर को, और उसको कहा जाता है और वो बेलेबल हो सकता है, नॉन बेलेबल हो सकता है. उसमें डायरेक्शन दी जाती है कि गिरफ्तार करके लाया जाए या बग़ैर गिरफ्तारी के लिए अगर वो आ जाए तो उसको ले आए अदालत में. सो ये दो एक बड़ी अहम कैटेगरीज़ हैं जिनको समझने की ज़रूरत है. अच्छा, समन्स और वारंट्स की जो कैटेगराइजेशन है ये क्यों की गई है? व्हाट काइंड ऑफ केसेस फॉल इन द कैटेगरी ऑफ समन्स इन विच द कोर्ट कैन इशू समन्स एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वारंट्स केस? हाथ खड़ा करें और जी बताइए. कॉग्निजिबल एंड नॉन कॉग्निजिबल, ओके, वो एक बेसिस शायद हो सकती है लेकिन कानून में जो हमारे कानून साज इदारे हैं उन्होंने समझा कि कुछ ऐसे जराइम हैं जो कि संजीदा जराइम हैं और उसमें ताखीर बिल्कुल नहीं होनी चाहिए. तो बजाय इसके कि समन्स के ज़रिए तलब किया जाए,
अगर ये खदशा, एक तो ये कि वो संजीदा जराइम है, और ये खदशा है कि चूँकि सज़ा ज़्यादा होती है संजीदा जराइम में, सीरियस क्राइम्स या हीनस ऑफेंसेस भी आप कह सकते हैं, तो मुलज़िम भाग ना जाए, तो बजाय इसके कि समन्स के ज़रिए शरीफाना तरीके से बुलाया जाए अदालत में, मुलज़िम को उसको सीधे वारंट्स के ज़रिए अदालत तक तलब किया जाए। तो ये एक है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि सज़ा कुछ ज़्यादा ही हो तो तभी ऑफेंस को सीरियस समझा जाएगा। मिसाल के तौर पर जो आपका पाकिस्तान पीनल कोड का सेक्शन 328 ए है, विच हैज़ ओनली रिसेंटली बिन इंट्रोड्यूस्ड, उसमें एक साल तक की सज़ा है, लेकिन उसको वारंट का केस रखा गया है, इसलिए कि वो ऑफेंस है क्रुएल्टी अगेंस्ट अ चाइल्ड। सो द सोसाइटी हैज़ डिसाइडेड दैट दिस ऑफेंस इज टू बी टेकन सीरियसली, इवन दो द पनिशमेंट मे नॉट बी एज harsh as it is in the case of a murder or in the case of rape, which are both cases of warrants. So ek initial stage par ye bhi aham faisla hota hai jo judge ko karna hota hai, lekin iske sath hi sath agar aap 204.5 ko padhte chale jaye to aapko ye samajh mein aayegi ki adalat ke ikhtiyar mein ye bhi hai ki agar wo chahe तो मुलज़िम को अदालत में हर पेशी पर हाजिर होने से मुस्तस्ना भी करार दे सकती है। वो मखसूस हालात में हो सकता है, कोई शख्स बीमार हो सकता है, सीरियस ऑफेंसेस में ये नहीं किया जाता उमूमन, लेकिन अगर बहुत कोई शख्स बीमार हो और बड़ा इवन इफ़ देयर इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस, अदालत इजाज़त दे सकती है कि भाई मखसूस अरसे के लिए इसका पेश होना ज़रूरी नहीं, उसकी जगह उसका प्लीडर, उसका वकील जो है उसको रिप्रेजेंट कर देगा। सो दीज आर द डिसीजंस विच हैव टू बी मेड वेरी अर्ली इन द जुडिशियल प्रोसीडिंग्स इन ऑर्डर टू मेक एज आई सेड इंश्योर फेयर ट्रायल। फिर उसके बाद जब ये चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं मुलज़िम को या मुलज़मान को, एक से ज़्यादा मुलज़मान भी हो सकते हैं एक ही केस में जिन्होंने मिल के एक ही ट्रांजैक्शन की हो, यानी जुर्म की जो ट्रांजैक्शन है, और उसके बाद चार्ज फ्रेम करने का वक्त आ जाता है। दिस इज़ द स्टेज व्हेन द ट्रायल टेक्निकली बिगिंस, चार्ज फ्रेम कर दिया जाता है। और चार्ज फ्रेम करने से मुतल्लिक जो है वो अब जो हमारी स्लाइड जी 221-22 जो हैं वो चैप्टर, अगर आप मुतल्लिका पढ़ें तो चार्ज फ्रेम कैसे किया जाता है उसके मुतल्लिक इंस्ट्रक्शंस हैं। और चार्ज फ्रेम करने के साथ ही मुलज़िम को बताया जाता है, और वो मुलज़िम प्ली ऑफ गिल्ट कर सकता है और या वो उससे इनहराफ़ कर सकता है, वो डिनाई कर सकता है कि उससे कोई जुर्म सरजद नहीं हुआ। अगर तो गिल्ट की प्ली होती है तो मखसूस केसों में अदालत उसकी रिलायबिलिटी पर, यानी उस शख्स के एडमिशन को की सेहत को मद्देनज़र रखते हुए, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन कैरिड आउट कैन डायरेक्टली लीड टू द स्टेज ऑफ जजमेंट, ये पॉसिबिलिटी है। बट इन सीरियस ऑफेंसेस वेयर हार्श पनिशमेंट्स आर टू बी मीटेड आउट टू द ऑफेंडर्स सच एज डेथ पेनल्टी, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, कोर्ट्स डू नॉट रिलाई ऑन, कैन नॉट रिलाई ऑन द कन्फेशनल और स्टेटमेंट। जी आप हाथ खड़ा कर, जी क्या दिया जाता है जी, ये पॉसिबल है अगर उस वो जो स्टेटमेंट दे उसमें रिमोर्स का भी एलिमेंट शामिल हो तो ये पॉसिबल है, बट अगेन डिपेंड्स ऑन केस टू केस बेसिस के भाई क्या हालात वाकयात थे, और क्या ऐसा तो नहीं कि ये अदालत के साथ खेल खेल रहा है वो शख्स और एक लीनियंट व्यू लेने के लिए ये ऐसा किया जा रहा है। इस पर जजमेंट्स मौजूद हैं, और हीनस ऑफेंसेस में जहाँ पर फॉर इंस्टेंस कोल्ड ब्लडेड मर्डर्स हों,
तो अदालतें उसमें एतराज़ करती हैं लीनियंट व्यू लेने से. लेकिन एज आई सेड कि पाकिस्तान में जैसा कि इंडिया में और कॉमन लॉ ट्रेडिशन है कि प्रोसिक्यूशन को अपना केस अपने पाँव पर खड़ा करना होता है. सो एवरी ऑफेंस कैरिंग अ हायर पनिशमेंट लेट से 3 साल या उससे ज़्यादा, उसको अदालतें जो हैं 3 साल या उससे ज़्यादा की कैद या डेथ पेनल्टी या और जो सज़ाएं हैं, अदालतें उन केसों में ट्रायल को प्रेफर करती हैं. हमारे एंटी टेररिज्म एक्ट में कुछ ऐसी प्रोविजंस हैं और ये बहुत से केसेस आपको मिल जाएंगे. एक केस मैंने भी परस्यू किया था अपील लेवल पर, वो यहाँ पर जो कसूर में जो वाक़यात हुए थे रेप एंड किलिंग्स के बच्चों की, उसमें जो मुलजिम था इमरान अली, आई डिफेंडेड हिम एट अपील. बहुत लंबे आर्गुमेंट्स थे, उसमें बहुत सारा जदीद किस्म का एविडेंस मौजूद था और उसने बहुत अटलीस्ट उसके ख़िलाफ़ जो जो ट्रायल हुआ वो एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत हुआ, इन कैमरा हुआ, जेल के अंदर हुआ, कोई पब्लिक अवेलेबल नहीं थी उसको ऑब्ज़र्व करने के लिए, और उसको उसका अपना वकील, अपनी चॉइस का वकील भी नहीं मिला, और उसको जो वकील दिया गया वो प्रोसिक्यूशन सर्विस की तरफ से दिया गया. बहुत सीरियस फ्लॉज थे, डीएनए की जो रिपोर्ट्स थी उस पर जैसे रिलाई किया गया उसमें बड़े सीरियस क्वेश्चन मार्क्स थे. तो ये उस किस्म की सूरत हाल में कन्फेशनल स्टेटमेंट की बेसिस पर कन्विक्शन पॉसिबल है, लेकिन उसमें भी अदालत ने एविडेंस को रिकॉर्ड करना ही मुनासिब समझा, और वो जो भी एविडेंस था और वो सारा सर्कमस्टांशियल एविडेंस था, देर वॉज नो डायरेक्ट एविडेंस. आप समझते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एविडेंस क्या है. हालात वाक़यात और आर्टिकल्स पर जो मबनी होता है एविडेंस वो इनडायरेक्ट एविडेंस है. इट इज़ सर्कमस्टांशियल एविडेंस सच एज डीएनए का एविडेंस, फोटोग्राफिक एविडेंस, सीसीटीवी का एविडेंस, ये सब. और जो डायरेक्ट एविडेंस होता है वो ओरल स्टेटमेंट्स होती हैं विटनेसेस की, दे कैन बी आई विटनेसेस एंड दे कैन बी नॉन आई विटनेसेस. सो इस किस्म की ये जो है ना वो एंटी टेररिज्म एक्ट का जो प्रोसीजर है वो एक थोड़ा सा मुख्तलिफ है, जिसमें कि बहुत सी खामियां हम समझते हैं कि आईनी एतबार से मौजूद हैं. अच्छा, ये बात समझनी आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो प्रोसिक्यूशन का एविडेंस है वो बियॉन्ड रीजन, इट शुड प्रूव द केस अगेंस्ट द अक्यूज्ड बियॉन्ड रीजनेबल डाउट. जुडिशियल स्टेज का जो सबसे अहम एलिमेंट है वो फेयर ट्रायल, सबसे पहले अक्यूज को फेयर ट्रायल के जो सारी रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी होनी चाहिए, उसकी इफ़ेक्टिव डिफेंस काउंसलिंग काउंसिल भी होना चाहिए, उसके अलावा प्रोसिक्यूशन का जो एविडेंस है वो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव होना चाहिए. बियॉन्ड रीजनेबल डाउट इज अ टर्म विच हैज़ नॉट बीन डिफाइंड एनीवेयर, बट दिस इज समथिंग विच यू विल understand and learn with the passage of time as you read judgments. We can't go into that detail at this in this session. अच्छा, prosecution का evidence कैसे होता है? जब charge frame हो जाता है तो उसके बाद या उससे पहले एक और stage भी होती है जो जिसका जिक्र करना ज़रूरी इसलिए है कि आम तौर पर उसको इग्नोर कर दिया जाता है. जब डिफेंस काउंसिल को इंगेज किया जाता है, चाहे वो स्टेट की तरफ से मुहैया करता हो या वो मुलजिम की जानिब से खुद उसको इंगेज किया जाए, तो उसकी ये ज़िम्मेदारी है कि वो इंश्योर करे, और अदालत की ये ज़िम्मेदारी है कि वो इंश्योर करे कि वो ये ट्रायल के लिए फिट है, यानी मेंटली फिट है. ये जो कैपेसिटी है, मेंटल कैपेसिटी, ये होना बहुत ज़रूरी है. इसके बगैर ट्रायल हो नहीं सकता. अगर कोई शख्स मेंटली इल है
और वो किसी भी स्टेज पर ये डिस्कवर होता है कि द अक्यूज्ड और द पर्सन अगेंस्ट होम एन इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट हैज बीन सबमिटेड इज मेंटली अनफिट टू स्टैंड ट्रायल, देन द कोर्ट मस्ट रेफर टू सेक्शन 465(6) एटसेट्रा. अगर आप वो देखें तो वो चैप्टर है, उसका टाइटल है ल्यूनेटिक्स का. पुरानी चूंकि ये किताब है, हमने मुनासिब नहीं समझा कि इसको बदला जाए. अब तो मेंटल इलनेस, मेंटल डिसऑर्डर की बात की जाती है. ल्यूनेटिक होने का लफ्ज, ये ल्यूनेटिक लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया जाता, इसको बुरा समझा जाता है, ल्यूनेसी को. तो उस इस कानून ये 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 इनिशियल स्टेज वो स्टेज है जब इस पहलू को, इस अहम बात को बड़े गौर से देखने और सोचने समझने की ज़रूरत होती है. और अदालत, अगर अदालत को नज़र आ रहा हो कि ये शख्स मुलज़िम जो है ये सही ज़हनी हालत में नहीं है इस वक्त, तो वो फौरन उसको मेडिकल बोर्ड की तरफ रेफ़र कर सकते हैं. जी ये बज़ाहिर भी एक तो ये कि मेंटली इल उमूमन उनका जो रवैया होता है अदालत में, जब वो सवाल जवाब अदालत करती है तो वो उसके जवाब जब रिस्पॉन्ड जिस तरह करते हैं उससे एहसास हो जाता है कि ये एक नॉर्मल इंसान, नॉर्मल कोट अनकोट की तरह इसका रवैया नहीं है, एक्टिंग कर सकता है. इस उसी को रूल आउट करने के लिए उसको मेडिकल बोर्ड की तरफ रेफ़र कर दिया जाएगा और उसमें साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट मौजूद होंगे जो उसको असेस करेंगे, उसको परखेंगे, उसको जानने की कोशिश करेंगे कि मसला क्या है इसके साथ. अब जो एडवांस्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पर फोरेंसिक साइकोलॉजी का एक बहुत अहम सब्जेक्ट है जिसको पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन के दौरान इस्तेमाल करती है. और अगर आप आजकल जो नई फिल्में टेलीविज़न पर आ रही हैं पुलिस और इन्वेस्टिगेशन से मुतल्लिक, मिसाल के तौर पर क्राइम यूके, क्राइम जर्मनी, नेटफ्लिक्स एक चैनल है उस पर, उसमें आप देखेंगे कि वो जो इन्वेस्टिगेशन का उनका तरीक़ाकार है उसी के दौरान वो साइकोलॉजिस्ट से मदद लेते हैं और बहुत सी चीज़ें जो हैं वो उससे आसान हो जाती हैं. खैर वो उस स्टेज तक जाते ही नहीं हैं और उससे पहले पता चल जाता है, जिससे कि स्टेट के जो रिसोर्सेज हैं और अदालत का जो टाइम है वो बच जाता है. और इस वजह से भी ये ज़रूरी है कि अदालत का, चूंकि अदालत का प्रेशियस टाइम होता है, तो उसी स्टेज पर पता चल जाए कि ये मेंटली फिट है कि नहीं. जब वो मेंटली फिट हो जाएगा, उसका इलाज हो जाएगा, फिर उसको ट्रायल के लिए ला सकते हैं. अच्छा, एक और जो अहम बात है वो जो प्ली होती है, लेकिन वो एक दूसरी चीज़ है, वो ये है मेंटल इलनेस का कि भई ये जो जुर्म इसने किया इसको पता ही नहीं था कि ये क्या कर रहा है. वो सेक्शन 84 ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड है, दैट इज़ स्लाइटली डिफरेंट टेरेन, वो फिर किसी वक्त डिस्कस करेंगे. अच्छा, वो डिफेंस एविडेंस में उसका अमल दखल होता है. आर वी रनिंग आउट ऑफ टाइम? You are running out of time. I want to just conclude. We can, Zabi bhai is available, he would take questions. Aapke iske baad if you could just hatta ka. Let me spend as much time as possible. So prosecution जब अपने अपना evidence लाती है, मिसाल के तौर पर वो कोई documentary evidence है, it can be circumstantial evidence as well, it can be digital evidence. तो जिस शख्स ने, जिस पुलिस इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने वो एविडेंस कलेक्ट किया है, वो अदालत के सामने लाएगा और वो बयान देगा और वो बताएगा कि उसने वो कैसे कलेक्ट किया है, कैसे प्रिजर्व किया है, कैसे कानून के मुताबिक. और इसमें पुलिस रूल्स भी मौजूद हैं, इसमें मुख्तलिफ एक तो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में भी और आपके लॉ ऑफ एविडेंस में भी ये बहुत सी हदायत मौजूद हैं कि कैसे एविडेंस को कलेक्ट करना है, किस तरह प्रिजर्व करना है, चेन ऑफ कस्टडी एक कॉन्सेप्ट है, उसको कैसे महफूज रखना है. जब आप केस लॉ पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि चेन ऑफ कस्टडी ऑफ द इनक्रिमिनेटिंग एविडेंस इन एनी क्रिमिनल केस इफ नॉट मेंटेन्ड इन अ वेरी डिलिजेंट मैनर इट कैन लीड टू अक्विटल. So, um, hmm,
तो ये जो प्रोसिक्यूशन अपना एविडेंस लेके आती है अदालत के सामने मुहैया सबमिट करती है, वो मुतल्लिका जो ऑफिशियल्स हैं जिन्होंने जो रोल प्ले किया होता है उससे कनेक्ट करते हैं, और वो सब तहरीर किया जाता है जो जो उनकी स्टेटमेंट्स हैं, उन स्टेटमेंट्स को आप एग्जामिनेशन इन चीफ कहते हैं। ये आपके लॉ ऑफ एविडेंस में, कानून शहादत में इससे मुतल्लिक चैप्टर मौजूद है कि एग्जामिनेशन कैसे होगा, क्रॉस एग्जामिनेशन कैसे होगा, एग्जामिनेशन में किस किस्म के सवालात किए जा सकते हैं और किस किस्म के सवालात नहीं किए जा सकते। तो ये प्रोसिक्यूशन एविडेंस रिकॉर्ड होता है, प्रोसिक्यूशन विटनेसेस को PW1, PW2, PW3 का नाम दे दिया जाता है। ये थोड़ी सी मैं तफसील में बता रहा हूँ क्योंकि ये बड़ी अहम कार्रवाई होती है। फिर उनका जो क्रॉस एग्जामिनेशन है वो डिफेंस काउंसिल करता है, ठीक है। डिफेंस काउंसिल क्रॉस एग्जामिनेशन करता रहता है और फिर सारे विटनेसेस जब ख़त्म हो जाते हैं, इस दौरान डिफेंस काउंसिल ऑब्जेक्शंस भी रेज कर सकता है, किसी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को सबमिट इम्प्रॉपरली या इररेगुलर तरीके से या ऑब्जेक्शनेबल किसी और ऑब्जेक्शन की वजह से उस पर एतराज़ उठाया जा सकता है। अगर वो फेयर ट्रायल के तकाजे पूरे नहीं करते, अगर कोई ऐसा एविडेंस मुतारफ करवाने की कोशिश की जा रही है जो कि पहले ही मुलजिम को और उसके काउंसिल को मुहैया नहीं किया गया था, तो वो उस स्टेज पर नहीं मुतारफ करवाया जा सकता जब तक कि अदालत के सामने उसके लिए एप्लीकेशन ना फाइल की जाए और उस पर आर्ग्यूमेंट ना हो जाए। और फिर अदालत देखेगी कि क्या इस स्टेज पर यह नया एविडेंस जो है, जो कि शायद पहले मुहैया किया जा सकता था, वो मुलजिम के ख़िलाफ़ जो केस है उसको प्रेजुडिस करने के लिए तो नहीं किया जा रहा। तो ये बहुत अहम जो ये कार्रवाई हो रही होती है जिसमें कि डिफेंस काउंसिल ने बहुत अहम रोल प्ले करना होता है। जब प्रोसिक्यूशन का एविडेंस ख़त्म हो जाता है तो वो कंक्लूडिंग स्टेटमेंट दे देता है, उसके बाद मुलजिम को ये मौका दिया जाता है कि वो एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट दे, विच इज़ अंडर सेक्शन 342 कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, जिसमें कि जो सारा एविडेंस है उसके मुतालिक सवालात किए जा सकते हैं। अदालत अगरचे और कोर्ट्स आर सपोज टू आस्क दीज क्वेश्चंस वर्बली एंड डायरेक्टली and then the same is recorded on the court record, but usually what happens as a matter of practice ke sawalat prosecution taiyar karke propose kar deti hai aur adalat jo hai usko defense counsel ko de deti hai aur phir wo usko written form mein submit kar dete hain aur phir wo adalat ke record mein adalat usko type wagaira karwa leti hai. Mujhe isme koi harj nazar nahi aata. इसके बाद और इस सवालनामे में ये भी पूछा जाता है मुलजिम से कि क्या वो अपने हक में कोई दिफा में कोई शहादत पेश करेगा। इट कैन बी ओरल एविडेंस, इट कैन बी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, इट कैन बी डिजिटल एविडेंस और वट एवर, ऑल सॉर्ट्स ऑफ एविडेंस जो प्रोसिक्यूशन पेश कर सकती है वो सब उसी नौयत का उसको रिबट करने के लिए डिफेंस एविडेंस ला सकते हैं। और ये सवाल भी पूछा जाता है कि क्या तुम खुद मुलजिम से अपने लिए विटनेस के तौर पर डॉक में आओगे, यानी ओथ पर स्टेटमेंट दोगे, एग्जामिनेशन इन चीफ होगा, जिसका मतलब यह है कि एग्जामिनेशन इन चीफ होगा उसका और फिर क्रॉस एग्जामिनेशन होगा। अब चूंकि हमारे यहाँ ये होता है कि ये उसूल है मुसलमा और कॉमन लॉ में भी कि मुलजिम के पास ये हक है और ये कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड भी है कि वो दी अक्यूज्ड हैज द राइट टू स्टे साइलेंट। ओथ पर स्टेटमेंट देना कोई लाजिम नहीं है। अच्छा, इसकी दूसरी डायमेंशन ये है कि चूंकि प्रोसिक्यूशन की ये जिम्मेदारी है कि वो जो केस बिल्ड करती है वो केस अपने पाँव पर खुद खड़ा होके बोल रहा हो कि मुलजिम मुजरिम है और उसका जो गिल्ट है वो इस्टेब्लिश हो रहा है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, यानी शको शुबा से बाला ये उसका जुर्म जो है ये इल्ज़ामात साबित हो रहे हैं, तो अगर ये होगा तो सज़ा मिल सकती है। तो इसी की बुनियाद पर वो परखते हुए
डिफेंस काउंसिल ये फैसला करते हैं कि क्या ऐसा तो नहीं कि यहाँ पर कुछ गुंजाइश है कि मुलजिम की अपना बयान देने से उसको फ़ायदा हो, और जो प्रोसिक्यूशन का एविडेंस इतना ओवरवेलमिंग है कि अगर रिबटल के लिए मुलजिम खुद विटनेस अपना नहीं बनता तो उसको नुकसान होगा। और फिर उसके लिए जाहिर है ये भी समझना होगा कि मुलजिम इस काबिल है भी, इतना एतमाद है, कहीं वो डर तो नहीं जाएगा वगैरह वगैरह, वो तफसीलात की बात है। और ये कि और कोई विटनेसेस अगर हैं, क्या उनके अदालत में आने से मुलजिम को फ़ायदा हो सकता है या नहीं हो सकता। अभी रिसेंटली मैंने एक पिंडी में ट्रायल किया और मैंने अगरचे उसमें प्रोसिक्यूशन का एविडेंस बहुत काफ़ी वीक था और मुझे यकीन था कि भाई ये अल्टीमेटली हम अच्छा आर्ग्यू करके एक्विटल ले लेंगे, लेकिन डिफेंस एविडेंस मौजूद था हमारे पास और वो डॉक्यूमेंट्री भी था और वर्बल भी था, तो वो मैंने इंट्रोड्यूस करवाया। उसके नतीजे में यानी ज़्यादा लंबे आर्ग्यूमेंट्स की स्टेज पर आर्ग्यूमेंट करने ही नहीं पड़े। सो आपको बहुत से फैक्ट्स सर्कमस्टांसिस को मुलाहजा कर रखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए ये फैसला करना होता है। सो दीज आर सम वेरी प्रैक्टिकल यू नो स्टेप्स विच यू नीड टू यू विल लर्न एज यू प्रैक्टिस। आपने हाथ खड़ा किया जी, बिल्कुल एग्जैक्टली मैं उस तरफ आने लगा था। वो जो पीबीसी का सेक्शन 84 की मैंने बात की कि अगर ये डिफेंस प्ली ली जाए कि जैसा कल कत्ल हुआ है इस्लामाबाद में एक अयाज अमीर साहब के बेटे हैं उनके हैं जी जी उनकी बहू का कत्ल हुआ ना, हाँ, तो कल एक रिपोर्ट भी आई है, कुछ और लोगों ने भी बात की है कि उनका ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है, ये ऐन मुमकिन है, नामुमकिन नहीं है। अच्छा क्यों वो दुरुस्त नहीं है, मैंने कुछ देखा चेक किया तो पता चला कि वो ड्रग्स का अब्यूज़ करते रहे। एक डिफेंस काउंसिल के तौर पर बहुत सी चीज़ें पढ़नी चाहिए जिसमें जो मेंटल डिसऑर्डर्स की जो साइंस है ये भी पढ़ने की बहुत ज़रूरत है। आप मेरे पास इस वक्त कम से कम दो ऐसे मेरे क्लाइंट्स हैं जो मेंटली डिसऑर्डर्ड हैं, एंड आई थिंक दैट ऑन दैट प्ली अलोन आई विल बी एबल टू गेट एक्विटल फॉर देम। एक की रिपोर्ट अवेटेड है, उसको 295B का उस पर इल्ज़ाम है और वो ज़हनी तौर पर वो ठीक नहीं है। एक और जो है उस पर भी 295B बाइबल के जलाने का इल्ज़ाम है, वो क्रिश्चियन है और उसका भी मेंटल हमने सर्टिफिकेट हासिल कर लिया है, बोर्ड ने कह दिया कि मेंटली डिसऑर्डर्ड है। अच्छा क्या होता है ये इस केस में, मिसाल के तौर पर क्या मुमकिन है, मैं कोई हतमी बात नहीं कर रहा। सब्सटेंस अब्यूज़ के नतीजे में बहुत से मेंटल डिसऑर्डर हो सकते हैं और मेंटल डिसऑर्डर को समझने की ज़रूरत है जजों को, लॉयर्स को अलाइक। दे मेंटल डिसऑर्डर्स एग्जिस्ट ऑन स्पेक्ट्रम। एक ही शख्स जो एक घंटा पहले बिल्कुल आपको सही हालत में नज़र आ रहा हो, वो दो घंटे बाद आपको बिल्कुल अबनॉर्मल बिहेवियर हो सकता है। स्किज़ोफ्रेनिया फॉर इंस्टेंस, देर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया एंड यू शुड रीड दैट, इट्स अ वेरी 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 सीरियस डिजीज। एक पॉसिबिलिटी ये है कि स्किज़ोफ्रेनिया माइट बी कॉज्ड बाय सब्सटेंस अब्यूज, हार्ड ड्रग्स कैन लीड टू स्किज़ोफ्रेनिया। नशे की हालत में कत्ल करना ये डिफेंस नहीं हो सकता, लेकिन अगर आपने इतना नशा किया है सालहा साल कि आप मेंटल अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठे हैं और उसने जो कल बयान दिया है उससे ये ऐसा महसूस होता है वो हेल्यूसिनेशंस का शिकार था। उसने कहा कि मुझे लगा कि मेरी बीवी ने मुझ पर हमला कर दिया और वहाँ पर कहीं बदकिस्मती वेरी वेरी ब्रूटल वे ऑफ यू नो किलिंग, क्यों वहाँ पर कोई पड़ा हुआ था वर्जिश करने का वो डंबल, वो उसने उसको मार दिया प्रॉबेबली। अब पता नहीं जब तफ्तीश होगी तो ये 84 की जो प्ली है इसको नज़रअंदाज कभी नहीं करना, इस पर आप और हमारा एक अच्छे वकील की तरह उस पर तहकीक भी करनी है। जी जिसका आपने कहा कि मेंटल इलनेस जो मेंटल ऑर्डर्स होता है
ये बड़ा अजीब सी बात होती है कि अगर आप क्या कहते हैं शिज़ोफ्रेनिया से आपको बताया कि मुझे अजीब सी चीज़ें नज़र आती हैं, मैं केस को दूसरी तरफ लेकर जाने के लिए मैं डॉक्टर को बता देता हूँ मेरे साथ ये होता है, मेरे साथ वो होता है, चीज़ होती है, और डॉक्टर मुझे उसके मुताबिक मेडिसिन भी देता है और ये देता है, तो आप कैसे साबित करेंगे कि मैंने सही उनको बताया डॉक्टर की रिपोर्ट सही है? अच्छा, ये बड़ी हमारे यहाँ बदकिस्मती की बात है कि बहुत से मेंटली डिसऑर्डर्ड लोग जो हैं जिन्होंने दवाइयाँ खाई होती हैं उनका डॉक्यूमेंट्री रिकॉर्ड नहीं होता। हमारे यहाँ मेडिकल प्रोफेशन में भी डॉक्यूमेंटेशन करने पर बड़ी मज़ाहमत है। अच्छा, अब ये जो बात है ना, उसके लिए वो डॉक्टर जो है उसको डिफेंस विटनेस के तौर पर हम अदालत में कॉल कर सकते हैं। हम उसके जो डॉक्यूमेंट्स, अगर उसने कोई उसकी प्रिस्क्रिप्शंस दी हुई हैं फलां मौके पर फलां मौके पर, तो वो जो है अदालत में सबमिट की जा सकती है। जज वो जो डॉक्टर है वो उसको ओन करेगा अदालत में आके, और वो क्रॉस एग्जामिन होगा, उसको क्रॉस एग्जामिन किया जाएगा। अगर अदालत जज के जहन में शक पैदा हो जाता है कि ये मुमकिन है, अगर ये इम्कान पैदा हो गया है कि किसी जुर्म के सरजद होते वक्त ये मुमकिन है कि ये ज़हनी तवाज़ुन इसका ठीक ना हो, तो फिर कम अज़ कम इंतहाई किस्म की जो सज़ाएँ हैं, मौत की सज़ा मिसाल के तौर पर, उससे तो आप बचा ही सकते हैं। और ये अच्छी बात है, ये बुरी बात नहीं है। जिस शख्स ने अपनी इरादे के साथ बाकायदा ज़हनी तवाज़ुन नॉर्मल कंडीशन में जुर्म नहीं सरजद किया, आप उसको इंतहाई सज़ा क्यों दें, बल्कि सज़ा दें ही क्यों, उसकी रिहेबिलिटेशन होनी चाहिए, ये मुआशरे की ज़िम्मेदारी है। अच्छा, अब हमारे यहाँ ये एक अच्छा निज़ाम नहीं है। खैर जी जी, अच्छा 340 सब क्लॉज 2 की बात भी हो गई है, वो भी एक मुश्किल स्टेज होती है, मुश्किल फैसला होता है ये करना, और ये सब डिफेंस एविडेंस पेश करके उसके बाद फाइनल आर्ग्यूमेंट्स किए जाते हैं, जिसमें कि प्रोसिक्यूशन, अगर डिफेंस ने एविडेंस पेश किया है तो डिफेंस की तरफ से पहले आर्ग्यूमेंट्स करने को कहा जाता है, प्रोसीजर में भी लिखा हुआ है, और अदरवाइज अगर डिफेंस की तरफ से कोई विटनेस नहीं आई, डिफेंस एविडेंस नहीं पेश हुआ, प्रोसिक्यूशन का केस कमज़ोर समझा गया या मजबूत भी है, तो वो पहले आर्ग्यू करते हैं। आर्ग्यूमेंट्स सुनने के बाद अदालत फैसला करती है कि गिल्टी है या नहीं गिल्टी, वेदर द प्रोसिक्यूशन हैज़ बीन एबल टू प्रूव द केस अगेंस्ट द अक्यूज्ड बियॉन्ड रीजनेबल डाउट और नॉट, ये फैसला होता है तो गिल्टी और नॉट गिल्टी का फैसला हो जाता है। हमारे यहाँ कन्विक्शन के साथ सैंक्शन भी हो जाती है, सेंटेंस भी हो जाती है, सज़ा भी दे दी जाती है। सज़ा के लिए हमारे यहाँ अलहदा हेयरिंग नहीं होती, जो जहाँ पर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ज़रा ज़्यादा एडवांस्ड हैं वहाँ पर सेंटेंसिंग की एक अलहदा हेयरिंग होती है। उसकी वजह ये है, लॉजिक ये है, और इसके लिए हमें बात करनी चाहिए, ये बड़ी प्रैक्टिकल सी बात है, इंडिया में ये हो रहा है, इंडिया में सेंटेंस हेयरिंग अलहदा से होती है, कन्विक्शन हो जाती है, और इंडियन सुप्रीम कोर्ट में आजकल एक केस भी चल रहा है कि सेम डे सेंटेंसिंग की हेयरिंग हो सकती है कि नहीं हो सकती, इस पर फैसला देना है आजकल में किसी वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने। और तो ये बड़ी अहम बात है कि कन्विक्शन अगर सुबह हुई है तो दोपहर को बुला के सेम डे हेयरिंग तो नहीं कर रही अदालत, ये एक सवाल उठा। अच्छा, हमारे यहाँ ये नहीं होता, मेरा ख्याल है कानून और रूल्स में तब्दीली करके अलहदा से सेंटेंस की हेयरिंग होनी चाहिए। सेंटेंस पर अलहदा आर्ग्यूमेंट इसलिए ज़रूरी है कि आप जब ये अदालत ने फैसला कर लिया है कि ये गिल्टी है, तो फिर आप आज़ाद हो के डिफेंस काउंसिल के तौर पर अदालत से अदालत को बावर करवाएं कि ये मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसिस फलां 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 हैं जिसकी वजह से इसको सजाए मौत नहीं हो सकती। अच्छा, ये बहुत अहम बात है, मैं थोड़ा सा यानी लीगल रिफॉर्म्स की तरफ भी इंक्लाइंड हूँ, तो मेरा ख्याल है कि स्टेट के जो रिसोर्सेज हैं, जो सोसाइटी एक्चुअली पे कर रही होती है, उस पर बर्डन कम होना चाहिए। अगर डेथ पेनल्टी होती है तो वो शख्स डेथ रो पर चला जाता है, हाई कोर्ट को उसके मुतल्लिक रेफरेंस सुनना पड़ता है, टाइम एलोकेट करना पड़ता है, केस एक इजाफी हाई कोर्ट के पास चला जाता है। अगर ये काम ट्रायल कोर्ट पर ठीक हो जाए और डेथ पेनल्टी जो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचते पहुंचते ट्रायल कोर्ट्स की पाकिस्तान में हमने खुद रिसर्च की है 70% प्लस
अकुटल हो जाते हैं या वो कन्वर्ट हो जाते हैं लाइफ इम्प्रिजनमेंट में या लेसर पनिशमेंट में. वाई शुड ऑल दीज केसेस रीच द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान? दैट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क अगेंस्ट हाउ आर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम वर्क्स. सो आप लॉयर्स भी हैं बट यू आर ऑल्सो थिंकर्स, यू आर प्रैक्टिसिंग लॉयर्स एंड यू लर्न फ्रॉम योर प्रैक्टिस हाउ दिस सिस्टम कैन बी इम्प्रूव्ड टू द बेनिफिट ऑफ द अग्रीव्ड पार्टी, द विक्टिम्स एज वेल एज द अक्यूज्ड, क्योंकि आप सोसाइटी को सर्व कर रहे हैं. उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन की स्टेज है जिसको कि हम बिल्कुल डिस्कस नहीं कर रहे. अक्विटल की कोई एप्लीकेशंस वगैरह होती हैं, कब दी जा सकती हैं? जी अक्विटल के खिलाफ जो है अक्विटल की एप्लीकेशन, हाँ हाँ जी 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 बिल्कुल. अदालत के ट्रायल के दौरान किसी भी स्टेज पर अगर मैजिस्ट्रेट के सामने ट्रायल है, केस है पेंडिंग, अर्ली स्टेज है या बाद वाली स्टेज है, तो 249A कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के तहत आप ये एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं कि इस ट्रायल, इस केस के आगे बढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, कोई इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस नहीं है, कोई केस बनता नहीं है. 265K कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का है, उसके तहत एक एप्लीकेशन दी जा सकती है. फ़र्क सिर्फ ये है कि वो मैजिस्ट्रेट के लिए है और 265K जो है वो सारी अदालतों के लिए है. इसके अलावा हाई कोर्ट की इनहेरेंट पावर्स हैं अंडर 561A, अंडर विच द हाई कोर्ट इन एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस कैन क्वाश क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स एट एनी स्टेज, एट एनी स्टेज. इस सिलसिले में 2013 में फॉर्मर चीफ जस्टिस खोसा साहब ने एक फैसला दिया जो कि गलत फैसला है मेरी नज़र में, और मैं उस पर आर्ग्यू कर सकता हूँ क्योंकि हमारे पास और सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं जिसमें कि ये बात बड़ी वाजे तौर पर कही गई है कि 561A के तहत हाई कोर्ट के पास जो पावर है वो केस की किसी भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग की किसी भी स्टेज पर इस्तेमाल की जा सकती है, बट यू हैव टू मेक अ केस. कोसा साहब ने ये कहा, दो बातें कहीं उस जजमेंट में, और ये जजमेंट का हवाला मैं आपको साइटेशन दे सकता हूँ. और दो मेंबर बेंच था सुप्रीम कोर्ट का, अनफॉर्चुनेटली जो जजमेंट्स उसके बिल्कुल मुतजाद बात करती हैं वो तीन मेंबर बेंचों की, जजों के बेंचों की बात है. खोसा साहब ने कहा कि अगर एक केस में एक से ज़्यादा अक्यूज्ड हैं तो एक अक्यूज्ड के हद तक 561A के तहत इनहेरेंट पावर्स का इस्तेमाल करते हुए क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स क्वाश नहीं की जा सकती. ही कॉल्ड इट एन इलीगल लीगल इम्पॉसिबिलिटी, ये टर्म इस्तेमाल की, दिस इज़ लीगल इम्पॉसिबिलिटी. आई थिंक ही इज़ रॉन्ग. दूसरी बात उन्होंने ये कही कि जो किसी मुलज़िम पर इल्ज़ामात लगे हैं उसको पार्शली, यानी अगर एक से ज़्यादा जराइम का इल्ज़ाम लगा है, FIR है इन्वेस्टिगेशन में और फिर चार्ज फ्रेम होते हुए, तो ये जब इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट सबमिट कर दी जाती है तो उसके बाद वो अदालत क्वाश करने का केस नहीं कंसिडर कर सकती. ये दोनों बातें गलत हैं, दुरुस्त नहीं हैं. तो ये क्वाश करने का, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स को क्वाश करने का कानून मुख्तसरन चार जुमलों में ये है. एनी क्वेश्चंस विच यू मे लाइक टू आस्क रेज एट दिस स्टेज? आई मे नॉट नेसेसरीली हैव ऑल द आंसर्स टू ऑल द क्वेश्चंस, बट आई कैन कम बैक टू यू विद द आंसर्स. जी आपका नाम? मोहम्मद अदील साहब. जनाब नहीं, चार्ज हमेशा इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाने के बाद फ्रेम किया जाता है, उससे पहले FIR की बुनियाद पर चार्ज नहीं फ्रेम किया जा सकता, क्योंकि FIR इज फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट विच ओनली सेट्स द लॉ इन मोशन, दैट्स इट. इट कैन बी अ वन लाइनर. And the FIR can also be registered by anyone who has some information. It may need not necessarily be some relative or a grieved party. एक सेकंड. अदील साहब का एक और सवाल भी है शायद. अक्यूज की जो स्टेटमेंट 342 के तहत रिकॉर्ड की जाती है वो ओथ पर नहीं होती. वो अदालत चूंकि ऑडी ऑल्ट्रम पार्टम का उसूल, नेचुरल प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस जो है हमारा फौजदारी कानून,
जो प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस है उसको फॉलो करता है, और मुलजिम से उसका वर्जन लेना बहुत ज़रूरी समझा जाता है। 342 बेसिकली उस रिक्वायरमेंट को, फेयर ट्रायल की उस रिक्वायरमेंट को पूरी करता है, और ओथ पर नहीं होता, क्योंकि मुलजिम का ये हक है कि वो ये फैसला करे कि वो क्रॉस एग्जामिन नहीं होना चाहता, वो साइलेंट रहना चाहता है। सो इवन इफ ही डज नॉट रिस्पॉन्ड टू सम ऑफ द क्वेश्चंस और ऑल ऑफ द क्वेश्चंस पुट टू हिम अंडर सेक्शन 342, ही कैन डिसाइड टू स्टे साइलेंट। ये 342 में एक शिक है, जैली शिक, वो पढ़ें आप। उसमें कहा कि अदालत उसका एडवर्स इंफरेंस ड्रॉ कर सकती है। आई थिंक दिस वायलेट्स द राइट टू साइलेंस अंडर सेक्शन 342। ये इन्फ्रेंस ड्रॉ नहीं किया जाना चाहिए और हमारी अदालतें उमूमन नहीं करती। हाँ, जब ओथ के तहत स्टेटमेंट होगी तो फिर वो सिनारियो बदल गया, देन देयर विल बी अ क्रॉस एग्जामिनेशन। डज इट मेक सेंस? ओके, एनी सो यू हैव अ क्वेश्चन? ओके जी, एफआईआर के बाद, FIR के बाद चार्ज नहीं फ्रेम होता। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट मुकम्मल जब तक नहीं सबमिट हो जाती, बाज़ुकात इनकम्प्लीट रिपोर्ट पर भी चार्ज फ्रेम करके ट्रायल शुरू कर देते हैं, बट दैट इज नॉट ऑलवेज अ वेरी प्रॉपर कोर्स ऑफ प्रोसीडिंग। समरी ट्रायल्स की भी वो है इसमें, शायद मैंने कहीं, लेकिन वो बस हमने जल्दी जल्दी में कर लिया है, तो समरी ट्रायल की भी प्रोविजन है। अगर कम सज़ा है मैजिस्ट्रेट के पास, बहुत ट्रायल वगैरह की लंबी चौड़ी प्रोसीडिंग के बगैर वो सज़ा हो जाती है 1 महीने तक की। हाँ जी बताइए। हाँ, अगर उस जुर्म के कॉन्सिक्वेंस में कोई बड़ा वाक्या बाद में पेश आ जाए तो यस इट कैन बी प्रॉब्लमैटिक। सो एक छोटा सा, लेकिन ये होगा किस केस में होगा? अच्छा, यानी एक्सीडेंट हो गया, उसमें बंदा कुछ जख्मी हो गया है और वो बाद में मर गया। अच्छा, ये सेकंड एक्सीडेंट वो कह रहे हैं कि पहली की कन्विक्शन उसको नहीं, ये पास्ट कैरेक्टर कैन नॉट बिकम पार्ट ऑफ करंट केस, इसको छोड़ दीजिए। ये जो पास्ट कैरेक्टर है ना, हाँ, वो उसके लिए तो फिर आपको बहुत सी और लवाजमात पूरे करने होंगे और उसको जोड़ना होगा। ये किसी एक जुर्म को दूसरे केस में जो जुर्म पर ट्रायल हो रहा है उसमें इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। तो अगले एक्सीडेंट में अगर कोई मर जाता है एक्सीडेंट के नतीजे में, वो पिछले एक्सीडेंट की बुनियाद बना के उसको, यानी मैं समझ नहीं रहा, नहीं जोड़ सकते। आप कुछ प्रोबेशन का भी प्लान है ना कि? जी जी, प्रोबेशन का है, ये पॉसिबल है, बिल्कुल है, प्रोबेशन भी हो सकती है, लाइसेंस को सस्पेंड किया जा सकता है, वो सारी चीज़ें हैं। कोई और भी हाथ खड़ा हुआ था जी, हो सकता है कि मैं आपका सवाल, एक सेकेंड, मैं सवाल अगर नहीं सही समझा तो मैं सोचूंगा इसके बारे में, आई विल कम बैक टू यू मे बी टुमारो द नेक्स्ट। इसमें ये है कि अगर एक बंदे ने एक को फायर मार दिया और एफआईआर होगी अंडर सेक्शन अटेम्प्टेड मर्डर 324, ठीक है, उसके बाद वो हॉस्पिटलाइज हो गया, ठीक है, उसके बाद वो वापस आ गया अपने घर, ठीक है लेकिन वो अब 324 में उसके चार्ज फ्रेम हुआ और वो ठीक है अब आफ्टर 1 ईयर, ठीक है, वो वुंड था, वो खराब हो गया और उसके नतीजे में वो मर गया, वो हो सकता है, दैट कैन बी, बिकॉज इट इज पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन।
वो हाँ वो हो सकता है, वो पॉसिबिलिटी है, बट इट वुड बी ए वेरी कॉम्प्लेक्स एंड कॉम्प्लिकेटेड केस।